हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये हमेरा रहेगा वीलॉग। आई डोंट, मैं नंबर भूल गया हूँ, बट हाँ ये जो भी वीलॉग है, और ये वीलॉग मेरा एक्चुअली ट्रैवल वीलॉग होने वाला है, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ इंडिया कल। सो आज सैटरडे है एंड मेरी इंटर्नशिप भी अभी जस्ट फ्राइडे को ख़त्म हुई, तो मैंने अपना सारा यू नो लैपटॉप वगैरह सब वापस किया कंपनी को एंड एवरीथिंग। तो अभी हाँ मेरी पूरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये है मेरा एक बैग, यही बस पूरा भरा हुआ है, बाकी ये एक और बैग है, बट ये पूरा खाली है क्योंकि इसमें मैं कुछ लेके नहीं जा रहा, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं काफ़ी सारा खाने पीने का सामान लेके आना चाहता हूँ अपने साथ। तो इस वजह से दो, इसके अंदर एक और मेरा बैग है, उसको में भी मैं खाली रखा है, तो पूरा भर के लेके आऊँगा। हेलो, तो ये अगली मॉर्निंग है, आज है 10th of September, और मेरे को एक और चीज़ याद आई आज कि आज मेरे को एग्जैक्टली एक साल कंप्लीट हो रहा है। मेरे को याद है कि मैं शायद 9th या 10th September को लैंड हुआ था US में, तो एग्जैक्टली एक साल बाद मैं घर जा रहा हूँ। और एक और चीज़, तो अभी एक्चुअली प्लान ये है कि मेरी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई है, रात में मेरी है 10:15 की फ़्लाइट। एंड सीन ये है कि हम लोग शायद जाने वाले हैं LA, वहाँ पे एक दो जगह एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट, तो देखते हैं। थोड़ा सा क्लोज कॉल हो गया क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था फ्लाइट के चेक इन के लिए, बट अभी चेक इन कर दिया लगेज, तो अभी जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक इन, सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। और उस बहुत एक्साइटेड हूँ घर वालों से मिलने के लिए एंड दोस्त लोगों से मिलने के लिए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और काफ़ी लोगों को सरप्राइज़ भी मिलेगा क्योंकि बहुत ही कम लोगों को, मेरी सिर्फ सिस्टर्स को पता है कि मैं आ रहा हूँ इंडिया, और किसी को नहीं पता, सबको मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो उन रिएक्शंस के लिए वेट करो। और अभी बस यू नो वेट करूँगा बोर्डिंग का, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में बोर्डिंग चालू होगा, बट हाँ जर्नी थोड़ा हेक्टिक हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम मेरा जर्नी इतना कुछ खास नहीं रहता, बट चलिए देखते क्या होता है। थैंक यू, ओके श्योर, थैंक यू। जस्ट लैंडेड इन सिंगापुर, अभी फटाफट फ्लाइट ट्रांसफ़र करना है दूसरे मुंबई के लिए, तो फटाफट जा रहा हूँ उधर। मुंबई में फाइनली लैंड कर गया हूँ, अभी फटाफट बैगेज लेना है ताकि मैं कानपुर के लिए फ़्लाइट ले पाऊँ, और दीदी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर, तो उन लोगों से मिलता हूँ। फाइनली कानपुर के लिए चेक इन कर रहे हैं अब, लास्ट फ्लाइट, टोटल 40 आवर्स का हो जाएगा ट्रैवल टाइम। हम अभी घर के लिए निकल रहे हैं,
सबसे पहले तुम मिलो जाके। मैं आ गई। मैं अरे बहुत भारी अच्छा भारी भारी अरे बस आ गया मां देखो सरप्राइज देने आ गया। कैसे हो? कमजोर सा लग रहा है। कितने दिनों से हमने ये बात छुपा के रखी है। अच्छा मिल लिए। अरे ये तो घूमने गए हुए थे। ये कहां से आ गए भैया? ये तो तुम्हारे इसका आया थी। किसका बैग? राखी तो मिली नहीं, मतलब नुकसान हमारा ही हुआ। वो वो वो। ठीक है, अभी ये सिस्टम ये तुम लोगों का पंखा घूम रहा है। काही क्या है? हाँ ये तुम्हारा वो फेस क्या वो कुछ तो लगाने वाला। और क्या मंगवाया था मैंने? नहीं तो क्रीम वही तो है। वो फेस मास्क और समथिंग कुछ। अच्छा हाइड्रोजेल। हाँ ओके। पापा पापा को मैंने आज तक नहीं दिया कुछ भी, तो पापा की बर्थडे के लिए मैं लेके आया हूँ स्पेशल। क्या लाए हो तुम? पापा ये इसको अनवेल। ओह माय गॉड। ये नहीं वो है। ये वाती का है। ये तो यही सब था इस व्लॉग के लिए। नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा सा और मज़ेदार रहेगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करूँगा जगह यहाँ पे दोबारा, क्योंकि काफ़ी जगह खुली हैं। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।